ऐसी साजिश, ऐसी मिस्ट्री, ऐसा धोखा, ऐसा अपराध जिसे देखकर आप नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेंड टाइम न्यूज। रविवार दोपहर सिद्धार्थ नगर जिले में एक पुत्र ने 65 वर्षीय पिता की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। मामला डेबरवा थाना क्षेत्र कठेला पुलिस चौकी का है। तहत कठेला सर्की ग्राम सभा के टोला ब्रह्मपुर का आरोपी लसलीम मृतक का सगा बेटा था। रविवार को सलीम और उसके पिता भुलाई के बीच गेहूँ के बंटवारे व बहन के विवाद में दिए गए रुपए को लेकर बात हुआ। विवाद इतना बड़ा, सलीम अपने पिता से 50,000 रुपए जो उसने अपनी बहन की शादी में दिया था उसी की मांग करने लगा। विवाद इतना बड़ा कि सलीम ने अपने पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। कुल्हाड़ी सर पर गर्दन पर जा लगी जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना गाँव वालों ने पुलिस को दी। तत्काल पहुंची पुलिस ने आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया और शव को पंचनामा में पोस्टमार्टम के लिए बेटे ने बाप की हत्या कर दी है। सर मामला पूरा क्या है, पुलिस कार्रवाई क्या है? थाना देवरवा क्षेत्र अंतर्गत कठेला चौकी क्षेत्र में आज हम एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की उसी के बेटे ने कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो एक्यूज्ड है इसमें सलीम, वो मृतक का ही बेटा है, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर भ्रमण करके आवश्यक दिशा निर्देश निरीक्षक को दे दिए गए हैं। सर मामला इसमें अभी तक की गई विवेचना में जो हत्या का कारण जो निकल कर आ रहा है वो यह है कि मृतक को उसी के बेटे ने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ समय पहले 50,000 रुपये दिए थे, उसी को वापस मांगने पे ही विवाद शुरू हुआ। इसके क्रम में द्वारा अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई।